तो परेड के कुंभकर्ण को सुलाने से पहले बांधा जा रहा है ताकि अगर नींद खुले भी तो कहीं भाग ना सके। जितना खूबसूरत ये है वैसे कल्लू भाई उतने खूबसूरत है। छत्र भी है और छतरी भी शान बढ़ाने के साथ साथ धूप से बचाती भी है। यू कैरी लाइक दिस, वो प्लान कैंसिल कर दिया गया है। क्या ये पुछले की जो सो थी ना वो खराब हो जाएगी इससे। चेंजिंग कर दी गई थी, उनको लंका में चौकीदार के रूप में लगा दिया गया। कटे हुए सर जो थे जी, वो लंका में लगे थे और इसमें कैंसिल हो गए। वो प्लान एट रैंडम चेंज हुआ। प्लान जी, था जी, प्लान था। आ गया और आ गया। ऐसा लग रहा है मैग्नेटिक पावर मेरे पास है, मैं खींच रहा हूँ और ये आ रहा है। गोला मार के आया होगा। देखो ये शकल देख लो, लंच होता है, पुतला देखने आए। पुतला कैसा है? इनको पकड़ के ला रहे हैं जबरदस्ती। एक नंबर। दिन है कुंभकर्ण के दहन का भी और मरण का भी। कुंभ का परमानेंट स्लीप मोड में चला जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। तो कुंभकर्ण का सफर और कुंभकर्ण की नजर आज इस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी के नजारे से आई है हमारे साथ। That's the 70 feet, 70 फुट का पुतला स्लीप मोड में, हमेशा हमेशा के लिए स्लीप मोड में जाने वाला पुतला। इसको मौत की नींद, चैन की नींद, साल भर की नींद सुलाने वाले कलाकार, फनकार, पुतलाकार या जो भी कही है वो कम है, फरमान खान फ्रॉम राजस्थान। तो फरमान जी सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये पिछली बार से काफी बड़ा और इसको मोटा आकार दिया गया है, जिससे कि माना जाता है कि कुंभकर्ण जो था काफी हेवी था, हष्टपुष्ट था। क्योंकि हमने पीछे बात भी की थी भैया से, तो भैया ने बताया था हमको कि इसका जो रूप होगा, जो स्पेसिफिकली फेस होगा, वो राक्षस रूपी होगा। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा घटा इन लोगों के साथ, मौसम का, चीज़ों का, अचानक। भैया वो प्लान जो चेंज हुआ उसका थोड़ा सा प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लान था, लेकिन क्या है, इससे जो पुतला होता है, मतलब इंसान रूपी जो वो होता है ना, वो इससे ख़त्म हो रहा था, मतलब अचानक टाइप में आ जाता। फिर ये खूबसूरती इसकी घट रही थी, वो प्लान कैंसिल कर दिया गया। तो ये क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि टीम इंडिया पर मैच के दौरान बहुत प्रेशर रहता ना कि एक भी कैच छूटा तो गड्ढा कहेंगे, वैसे ही अगर रावण का तिल या मस्सा मूछ का इंच ऊपर नीचे भी हुआ ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती कि परेड के रावण के साथ कैसे ऊंचा नीचा हो गया। जैसे बारिश में हुआ था फिर भी इन्होंने खड़ा किया। तो कमोवेश उसी सिचुएशन को कोप अप करने के लिए आपने प्लान चेंज करा, वो था। और वो कटे मुंड हाथ में जो पकड़ाने वाली बात थी वो इसको शिफ्ट करके लंका में कर दिए गए। मैं चूंकि कल आ नहीं पाया था, मैंने उधार पे वो क्लिप मांगी थी, वो कटे मुंड लंका में रख दिए गए थे एज चौकीदार। और इस पुतले की अगर स्पेसिफिकली बात करें, कोरे नंगे पुतले की, तो इसकी कुंभकर्ण की 70 फुट के पुतले की लागत कितनी होगी? अंदाजन 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये। अच्छा, ये कॉन्फिडेंशियल है तो रकम की बात नहीं, आनंद की बात करेंगे। लोगों की शिकायत है कि परेड के पुतले लंबे समय से एक ही नक्शे, एक ही ढांचे, एक ही डिजाइन के। आपके चैनल के माध्यम से ये बात सुन रहे हैं, वरना बाकी यहाँ की जितनी भी जनता है वो यही कहती है कि परेड के जो पुतले हैं ना, बाकी काफी खूबसूरत बनते हैं, अच्छे बनते हैं। नहीं, खूबसूरत है सब चीज है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नंबर वन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नयापन, क्रिएटिविटी तो देखिए हम हर साल करते हैं, बस देखने का नजरिया होना चाहिए, मतलब हमारे ही नजरिए में खोट है। चलो हम चश्मा दूसरा नजरिया वाला ढूंढते हैं, चश्मे से शायद हमें कुछ नया दिख जाए। कुंभकर्ण अभी ये सो रहा है, शाम को परमानेंट सो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। ये बॉडी और ये फेस 70 फुट का, ये छत्र है। आओ इधर से दिखा, ये छतरी। पुतलों के सर्जन हैं, सर्जरी करते हैं और सर्जरी के साथ पार्ट टाइम शायर भी हैं। फूल है गुलाब का, चमेली न तमन्ना, आशिक हूँ मैं किसी और का न तमन्ना, हम तो मरेंगे दोस्तों सबको सनम लेके साथ में मरेंगे। तो आज कुंभकर्ण से डूब जाओगे? हाँ।
डूब जाएंगे इस नदिया में, हम सबको बचाएंगे इस नदिया से। अरे गजब है, कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए। तो एक और पे है कुंभकर्ण का मुंह और दूसरे छोर पे है कल्लू भाई की ताकत है इसमें। कल्लू भाई की हुनर की ताकत है इसमें। कल्लू भाई ने झोंक दिया है, देखो इसमें जितना खूबसूरत ये है वैसे कल्लू भाई उतने खूबसूरत है। तो कल्लू भाई तुम मुंबई जा रहे थे, मुझको मुंबई वाला किस्सा बता दो। मुंबई जाएंगे भाई 12 तारीख के बाद, जब ये मर जाएंगे तब। तब जब ये मर जाएंगे तो वहाँ किसको जिंदा करने जाओगे? वहाँ इसके पापा को जिंदा करने जाना है। हाजी अली को, इसके पापा भी तो ये काम तमाम ही होने वाला है। हाँ तो 12 तारीख के बाद इसके पापा को, जो सबसे बड़े इससे बड़े बड़े ऊपर वाले हैं, उनको जिंदा करने जाना है। उनको जिंदा करने मुंबई जाएंगे। तो कल्लू भाई बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज मत समझना। जितने सुंदर हमारे कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के पुतले हैं, उतने ही सुंदर कल्लू भाई हैं, शक्ल से भी, हुनर से भी और दिल से भी। असल नाम अमन है, लेकिन मोहब्बत में इन्होंने हमको इज्जत से अनुमति दी हुई है कि आप मोहब्बत में कह सकते हैं, है ना? प्यार से आदमी हमको, प्यार से आदमी कहता है कल्लू भाई, और ये दिल से आवाज़ निकलती कल्लू भाई। तो एक तरफ कुंभकर्ण, एक तरफ हमारे स्टार कल्लू भाई, रावण के पुतला स्टार फेस कमोबेश तीनों पुतलों को ये लगभग जैसे हैं। और वो वाला जो पुतला है उसमें मूछें एडिशनल दी गई हैं रावण वाले में, कुंभकर्ण और मेघनाथ में मूछें चिपका दी गई हैं, कागज इनमें चिपकी हुई है, उसमें एडिशनल लगी जो मैंने आपको पहले दिखाया। ये काम चालू है, पूरा बंधाई अंदर से हो रही है। मार मार मार। अरे कल्लू भाई, कुंभकर्ण मारा जाएगा, तुम किसको मरवा रहे हो? कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट है ये? हम लोग की एक कला है। कला है कि बाद बल्लियों पे चढ़ के हम लोग मार दिया करते हैं। ये अच्छा पैदा है, तो इनको काले से गोरा करते हो वो मशीन, वो मशीन मेरे पास है नहीं, वो रावण वाली जो रावण को जो क्रीम लगाते हैं वो बात करो। वो क्रीम लगाएंगे फरमान भाई करेंगे, वही क्रीम लगाते हैं, उन्हीं से क्रीम लगवाओ। फिटिंग में टाइम लग जाता है 2.5 घंटा, बाकी खड़ा होने में तो 5 मिनट लगते हैं। मुंड केवल तुम्हें अपने बल पे उठाना, उठा लोगे अकेले? नहीं उठा पाओगे, लोग लगेंगे। बहुत भारी है ना। जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है वो यही होती है जब खड़ को मुंड से जोड़ा जाता है। ये देखना पड़ता है कि मुंड बिल्कुल सही अनुपात में सही जगह पे फिट हो रहा है, मतलब इधर तो नहीं हो रहा है, इधर तो नहीं हो रहा, बिल्कुल बीच में सेंटर में छाती के साथ अनुपात के साथ बिल्कुल टिप टॉप दिखना चाहिए। उसी कश्मकश में पूरी टीम जुटी हुई है। बांधेंगे भैया, फिक्स करेंगे ये? हाँ इसको बांधेंगे। कहाँ से आए आप लोग, को ज्यादा ही उत्साह है? उसको कहने की जरूरत ही नहीं, जब दद्दू बोल रहे हैं तो होता। तो ये बताइए दद्दू, ये क्या देखने आए हैं यहाँ? ये देखने आए कि आज कुंभकर्ण फूका जाएगा। हाँ, तो उसके काम में क्या देरी है, शाम तक तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, तो मतलब आपको उसको सुलाने की बहुत जल्दी है। ये भी आप समझ सकते हैं इस बात को। अच्छा, बच्चों का एंजॉय है। तो क्या जहर खुरानी दवाई लाए हैं, चूहे मारने की दवाई लाए हैं? कोई नहीं लाए, तीन ही लाए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत राधे राधे, राधे राधे, चलिए थैंक यू। जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी आ गई और ये क्रेन आ गई, और इसी क्रेन से ये पुतला खड़ा किया जाएगा, ताना जाएगा, और ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री यूं जाएगा, यूं यूं। 5 मिनट का खेल है और सारा क्रेन के थ्रू ही होगा। क्रेन के सहारे जहाँ पर खूंटा है, उस खूंटे से रावण की चेस्ट पे यहाँ छेद किया गया और उस छेद से रस्सा फंसाया जा रहा है, उसी को फंसा के उसको बांध के क्रेन से उठाया जाएगा। क्रेन से खूंटा, खूंटे से कुंभकर्ण और कुंभकर्ण से रस्सा, सब फिक्स हो चुका है। बस खड़े होने के कुछ सेकंड्स की देरी है, ट्रेन चालू हो चुकी है,
अब ट्रेन जैसे जैसे हल्का हल्का पीछे खींच के उसको पुश करेगी, हो गया, धीमे धीमे उठ रहा है, 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 और वो तिरछा होगा, उसके बाद रस्ते से पावर नहीं। एंड इट वुड बी लाइक 90 डिग्री बिल्कुल सामने से फ्रंट से। मैग्नेटिक पावर मेरे पास है, मैं खींच रहा हूँ और ये आ रहा है, क्वीन नहीं। हौले 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 हौले, डोर भी होती है ना लटाई वाली, ऐसे 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 90 डिग्री व्यू केवल और केवल गोंडर अभिषेक के चैनल पे। एंड दैट्स 2024 का परेड रामलीला सोसाइटी का कुंभकरण। स्लीप मोड में जाने से पहले वेकिंग मोड में, जागने वाले मोड में आज ये परमानेंट सो जाएगा, साल भर के लिए सो जाएगा, लेकिन उससे पहले उसको जगाया गया है, उठाया गया है, ताना गया है। हवा से बातें करते हुए कुंभकर्ण का छत्र बेहद खूबसूरत, पैर चेचा नहीं बनाया, लेफ्ट व्यू एंगल एंड थोड़ी सी छतरी जो है, छत्र हल्की सी लेकिन हवा से बातें करता हुआ, बड़े बड़े कुंडल, और शायद ही आपने ऐसे कुंडल कभी देखे हो। मजा आया देख के जी? क्या मजा आया? रावण को खड़ाते हुए। रावण खड़े? वो मेघनाथ। मेघनाथ भी नहीं है, कुंभकर्ण। अबे मतलब खड़ा करने में इतना उत्साह आता है कि पुतले का नाम ही भूल जाते हो हैं? जी मेरा छोटा मोटा व्यापार है सप्लीमेंट्स का, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स का, जोकर के नाम से। ये कुछ लेकर आए हैं डिब्बा विब्बा इसको देने के लिए? के लिए मैं खुद आया हूँ चल के। ये तो फिट एंड फाइन है, देखते नहीं हर साल खड़े हो जाते हैं, स्टैंड अप अगेन एंड ऑलवेज। अरे ये तो खड़े कर दिए जाते हैं। हाँ ये बात भी सही है। मैं फर्स्टली मैं यहाँ 97 में आया था, वो जो बिल्डिंग है वो वाली, वो देखो डेट वन, मैं वहाँ से देखा था फर्स्ट टाइम, तब से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं आता हूँ, दशहरा मंदिर में भी मैं जाता हूँ। छतरी थोड़ी सी हल्की स्टेरसी हो गई। हाँ थोड़ी आँख में भी प्रॉब्लम है, इस हिसाब से मुझे इनको B12 देना चाहिए था। B12 हर साल से यही बनता आ रहा है, पेंट डेट में कुछ मतलब नहीं, कुछ फर्क नहीं। आप लोग देख सकते जैसे ही छतरी, आप लोग जैसे देख सकते हो टेढ़ी भाग रही, जो कि अच्छी बात नहीं। धीरे धीरे और धीरे धीरे देख, पहले भैंसे का मांस लगाया तुझको, देख तेरा तेरे लिए दिया सरकार। मैं प्रेम से था मेरे भाई को, हाथ धूखा है पाल पहने से सो गए मटका फेंकेगा, फेंकेगा ना, यही फेंकेगा। Yeah.
क्या पिछला दिन बहुत पसंद आए, जोरदार तालियों से और आवाजों से आज उनका प्रदर्शन कर रहे युवकों का उत्साह।